जब भी 90s की फिल्मों का जिक्र होता है तो उसमें एक से एक पारिवारिक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्में दर्शकों को याद आने लगती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा याद किया जाता है पिता के रोल को निभाने वाले एक्टर्स को, जिन्होंने 90 के दशक की फिल्मों के अंदर अपने पिता वाले किरदार को इतनी सीरियसली निभाया था कि दर्शक उनके आज तक दीवाने हैं। लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि 90 के दशक में नंबर वन पिता के रूप में किस अभिनेता को आज तक दर्शक खूब मानते आए हैं, किस एक्टर ने पिता के रोल को निभाकर 90 के दशक में नंबर वन पिता का दर्जा पाया था। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको 90 के दशक की फिल्मों में पिता का किरदार निभाने वाले कुछ अभिनेताओं से रूबरू करवाएंगे और अंत में बताएंगे कि नंबर वन पिता के किरदार में दर्शकों ने सबसे ज्यादा किस अभिनेता को पसंद किया, उनसे भी रूबरू करवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं 90 के दशक के पिता वाले किरदार में नजर आए एक्टर से। नंबर 8, आकाश खुराना। साल 1992 की बेटा फिल्म को देखकर हर कोई इसमें पिता का किरदार निभाने वाले अभिनेता आकाश खुराना को दया भाव की दृष्टि से देखने लगता है, जो अनिल कपूर के बेचारे पिता प्रेम के किरदार में नजर आए थे। इनका पिता वाला किरदार काफी लाचार और बेबस था, जिसमें दर्शक कभी भी एक पिता को जूझते नहीं देखना चाहते होंगे, लेकिन इन्होंने फिर भी फिल्म की शुरुआत में एक अच्छा पिता बनकर इस फिल्म में 4 चांद लगा दिए थे। नंबर 7, विक्रम गोखले। पंडित दरबार के रूप में एक्टर विक्रम गोखले साल 1999 की फिल्म धम दिल दे चुके सनम में नंदिनी के अच्छे ज्ञानी पिता के रूप में दिखे थे, लेकिन इन्होंने अपनी बेटी का प्यार इस कदर छीना कि वो खून के आंसू रोई थी, और दर्शक आज भी इस फिल्म को देखकर विक्रम गोखले के पिता वाले किरदार को काफी कोसते हैं। नंबर 6, दिलीप ताहिल। दिलीप ताहिल को इश्क मूवी में हरबंस लाल सेठ के साथ साथ मधु के पिता के नाम से भी जाना जाता है, जो एक नंबर के फ्रॉड और लालची पिता थे। इन्होंने अपनी बेटी के प्यार को छुड़वाने के लिए उसके प्यार पर लांछन लगाया था, और इस तरह के पिता के किरदार में दर्शकों ने बस दिलीप ताहिल को काफी बुरा भला ही कहा था। नंबर 5, अनुपम खेर। दोस्तों, अगर आपको साल 1990 की फिल्म दिल याद होगी तो उसमें अनुपम खेर एक उजड़े चमन बाप हजारी प्रसाद के रूप में नजर आए थे, जो हमेशा कबाड़ बेचकर अमीर होने के सपने देखा करते थे और अपनी बेटी को हमेशा उस लड़के के हाथ में सौंपना चाहते थे जो पैसों से अमीर और खानदानी हो। हालांकि अपने बाप के किरदार में कुछ खास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठा नहीं पाए, लेकिन इनके फनी लुक और हरकतों को देखकर ये भी एक फनी फादर के कैरेक्टर में खूब जचे थे। नंबर 4, कादर खान। दोस्तों, कादर खान की साल 1995 की फिल्म कूली नंबर 1 में भले ही एक लालची और खुदगर्ज पिता के किरदार में दिखाई दे हो, लेकिन इन्होंने आपको दोनों बेटियों मालती और शालिनी के लिए अच्छा अमीर लड़का खोजा था, जिनके साथ शादी करके ये अपनी बेटियों को बहुत खुश देखना चाहते थे। पर पिता का अपनी बेटी के लिए इस कदर सोचना एक अच्छे बाप की निशानी ही है, जहाँ पर कादर खान ने अपने किरदार चौधरी होशियार चंद वाले पिता के रूप में काफी होशियारी और समझदारी दिखाई थी। नंबर 3, अमरीश पुरी। दोस्तों, अमरीश पुरी हमेशा ही अपने किरदारों में कड़क दिखाई देते हैं, लेकिन फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में ये काफी नरम दिलवाले पिता के रूप में दिखाई दिए थे, जहां पर ये अपने किरदार चौधरी बलदेव सिंह में एक ऐसे डाउन टू अर्थ पिता के रूप में नजर आए, जो अपने देश से दूर रहकर भी अपने बच्चों में देसी संस्कारी और मिट्टी की खुशबू को पहचान करवा कर उन्हें भारत देश का कल्चर बताते हैं। इसके अलावा अमरीश पुरी फिल्म में अपनी बेटी सिमरन को भी उसके अच्छे जिंदगी जीने की आजादी देते हैं। भले ही अमरीश पुरी जी आज उस दुनिया में ना हो, लेकिन का ये पिता वाला किरदार कभी कोई भूल नहीं सकता। नंबर 2, आलोक नाथ। दोस्तों, ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसने 90 के दशक की फिल्म हम आपके हैं कौन देखी ना हो। इस फिल्म में इतनी खूबसूरत और अच्छी प्रेम कहानी के साथ साथ पारिवारिक रिश्तों को भी दिखाया गया है, जिसमें आलोक नाथ अपने दो बेटों के जिम्मेदार और प्यारे पिता बनते हुए दिखाई देते हैं, जो अपने अनमोल वचन और मधुर वचनों से अपने बेटों के मन को भी प्यारा बना देते हैं, और इतने अच्छे पिता के किरदार में दर्शक इन्हें आज तक काफी सराहते आए हैं। नंबर 1, अमिताभ बच्चन। जी हाँ, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को ही 90 के दशक की पिता वाली लिस्ट में सबसे अच्छा और नंबर 1 पिता समझा गया है, जो फिल्म कभी खुशी कभी गम में मिस्टर रायचंद बनकर अपने बड़े बेटे राहुल को अंत में माफ कर देते हैं, जिन्होंने इनका प्यार और विश्वास तोड़ा था। पिता के ऐसे गुणों को देखकर फिल्म इंडस्ट्री का हर कोई व्यक्ति अमिताभ बच्चन के ऊपर फिदा हो गया था, जिन्होंने अपने किरदार में कड़क बाप के साथ साथ नरम दिल वाले पिता के गुण भी समा रखे थे, जो फिल्म में अपने दोनों ही बेटे को अच्छी परवरिश संस्कार देकर अपना फर्ज निभाते हैं। इसलिए तो इन्हें 90 के दशक में पिता के रोल में नंबर 1 पर रखा गया था। दोस्तों, आपके हिसाब से इनमें से किस अभिनेता ने पिताजी के किरदार में अपने बेटे का खूब साथ दिया था? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और भी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।